हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाई रेडियो चैनल हिंदी शहजाद में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे या दोबारा कैसे ऑर्डर करके मंगाएंगे बिना मोबाइल नंबर लिंक के। अगर आपने देखा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपका आधार कार्ड गायब हो गया है या गुम गया है या सड़ हो गया है या कहीं और आपका आधार कार्ड मिल नहीं रहा है, आप दूसरा आधार कार्ड मंगाने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी आप अपना आधार कार्ड दोबारा कैसे मंगा सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड नंबर के जरिए। आपके पास आधार कार्ड नंबर है, आप उसको मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रोजाना मैं आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, मैं आपको पूरा फ्री देता हूँ, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप हमारी वीडियोज बने रहिए। अब मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ कि अपने आधार कार्ड को कैसे जो है रिप्रिंट कराएंगे, ऑर्डर कैसे देंगे और कैसे वो आएगा और उसको कैसे सारी चीज देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे। चलिए वीडियोज को फटाफट। तो अपने आधार कार्ड को दोबारा रिप्रिंट कराने के लिए या मंगाने के लिए ऑनलाइन, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी गूगल या क्रोम खोल लेना है। जब आप UIDAI लिख करके सर्च मारेंगे तो आपके सामने देखिए आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके इस तरह से नीचे आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप नीचे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऑर्डर आधार PVC कार्ड। आपको क्या करना है, इस पर दबाना है। आप जब इस पर दबाएंगे दोस्तों तो आपके सामने देखिए ये पेज खुलेगा, आप वेलकम टू माई आधार, आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, यहाँ पर भी जो वहाँ पर था। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है, ना आपको मोबाइल नंबर लिंक हो कुछ भी नहीं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर इतना आप अपने आधार कार्ड के नंबर के जरिए भी मंगा सकते हैं, एनरोलमेंट के भी मंगा सकते हैं। अगर आपका एनरोलमेंट ID है उससे भी मंगाएंगे, आधार नंबर है उससे भी। तो मैं आधार कार्ड के नंबर से मंगाऊंगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ नीचे ये कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। आपको जो है इस पर दबा देना है क्योंकि आपका मोबाइल नंबर जो है लिंक नहीं है। आप जब इस पर दबाएंगे तो आपके सामने देखिए दबाते ही यहाँ पे आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके पास हो, कोई भी, सिर्फ OTP के लिए आप मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका मोबाइल नंबर हो उस पर एक OTP आएगा, सेंड OTP पर दबाते ही आप वो OTP यहाँ पर डालेंगे और OTP डालने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, यहाँ पे डिब्बा मिलेगा, मैंने पहले से दबा दिया। आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बंद रहता है, आप इसको चालू कर देंगे। जब आप इसको चालू करेंगे और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने जैसे सबमिट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको D1 टू आपको बताएगा, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना, ओके पर आप दबा देंगे। जैसे आप ओके पर दबाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैसे कटाने का, आपको यहाँ पर पैसे पे करने हैं, मैंने बताया था 50 रुपये। आप यहाँ पर जो है डब्बे को दबाएंगे, आई हैव ऑलरेडी, आप उसके बाद मेक पेमेंट, आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे 15 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है, जिसको आप जो है इससे कार्ड्स, क्रेडिट, डेबिट, वॉलेट, नेट बैंकिंग, UPI आप किसी से भी कर सकते हैं। चलिए मैं वॉलेट से अपने कर देता हूँ। आप जो वॉलेट पर दबाएंगे तो आपको किससे करना यहाँ पे आ जाएगा, मैं फ़ोनपे चूज़ कर लेता हूँ। आप फ़ोनपे चूज़ करेंगे, प्रोसीड पर दबाएंगे और दबाने के बाद जो आपको जिससे भी करना हो आप उससे कर सकते हैं। जो भी आपका नंबर है आप नंबर डालेंगे, यहाँ पे एक OTP आएगा, आप अपना OTP डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ पे बगल में आपको मिल जाएगा पे, आप पे पर दबाएंगे। पे पर दबाते ही ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको फोनपे पर, आप फ़ोनपे पर जाएंगे। देखिए इस तरह से आप अपने फ़ोनपे में आएंगे, यहाँ पे पेपर दबाएंगे, पेपर दबाने के बाद आप अपना पे करेंगे यहाँ पे 50 रुपये। इस तरह से देखिए आपके सामने पूरा आएगा, अपना जो है पे करेंगे। अब पे करने के बाद इस तरह से देखिए आपके सामने हो जाएगा पेमेंट रिक्वेस्ट, UIDAI पेमेंट हो रहा है आपका। उसके बाद आप इसको कट करेंगे और आपका जो पीछे था आप उस पर जाएंगे, उस पर जाने के बाद आपके देखिए यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा लिख करके, और आपके सामने यहाँ पे एक रसीद भी मिल जाएगी जिस पे आपको पूरा वो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और यहाँ पर आप दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, टाइप पिस दुआ करके एक्नॉलेजमेंट भी इसका आप ले सकते हैं स्लिप।